हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू डूम को स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है हिड इफेक्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह पर जिसका नाम होता है टियान यांजू, और हम देखते हैं कि कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, और हम देखते हैं एक बंदे का नाम जिसका नाम चैन हाउ होता है और दूसरे बंदे को पीछे कर देता है, और हम देखते हैं कि चैन हाउ अटैक कर देता है पर वो बच जाता है और उसी बंदे पर अटैक कर देता है जिससे वो पीछे हो जाता है, और चैन हाउ पहले बंदे पर अटैक करने के लिए आ जाता है पर वो दूसरे बंदे देख कर उस पर अटैक करने के लिए ऊपर से आ जाता है। ये देख कर चैन हाउ उसको पकड़ लेता है और पहले बंदे पर मार देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच में ब्लड शॉर्ट सेट का एलर्ट आ जाता है और बोलता है कि रुक जाओ चैन हाउ। और चैन हाउ रुक जाता है और बोलता है कि जी मास्टर, और बोलता है कि आज से क्लोर सेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभालोगे। चैन हाउ ये सुनकर खुश होता है, बोलता है कि मास्टर आपकी सारी बातें मानेगा। तभी हम देखते हैं कि दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है कि ये कितना लकी है, मुझे यकीन है कि मुझे ये फ्यूचर में सपोर्ट करेगा। और हम देखते हैं कि लड़की का नाम जिसका नाम चाव हुई होता है, और हम देखते हैं कि वो हाउ के पास आकर बोलती है कि कितने औसम हो आप। फिर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा का नाम जिसका, और हम देखते हैं कि दूसरे बंदे जो आ जाता है और बोलता है कि इस टाइम गांव वालों को ये एहसान मानना पड़ेगा, और उसका नाम चैन हितान होता है। और शाओ हो ही बोलती है कि हाँ, और हम हितान अब सेक्ट में जाएंगे। फिर हाओ बोलता है कि मैं सेक्ट में जाऊंगा, तुम थ्री। तभी हम देखते हैं कि फिर शाओ ही बोलती है कि हम साथ आए थे। फिर हितान बोलता है कि तुमने ही तो बोला था तुमको दो सर्वेंट चाहिए, फिर हमको तुम सेक्ट में लेकर चलोगे। ये सुनकर हाओ बोलता है कि पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, तुमको लेकर जाना बेकार है। सुनकर हितान बोलता है कि तुम भूलो मत, मैंने ही तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। और दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन बीच में शाओ ही आकर बोलती है कि, और हम देखते हैं कि शाओ ही बोलती है कि प्लीज हाओ हितान को भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो ना प्लीज। ओके प्लीज हमको लेकर चलो प्लीज। फिर हाओ बोलता है कि शाओ ही मुझे ब्लेम मत करो, इसकी कल्टिवेशन ही बेकार है, ये सुटेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए, और पर मुझे एक मेट चाहिए जो मुझे पानी और चाय दे सके। फिर हितान बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम कितने घटिया हो। शाओ बोलती है कि मैं रेडी हूँ, आपको फॉलो करूँगी, कुछ भी करूँगी। सुनकर हितान बोलता है कि नहीं, हमारी एंगेजमेंट है। फिर शाओ ही बोलती है कि मेरे लिए तुम्हारे साथ वापस जाना ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर हाओ शाओ बोलती है कि हितान सुन, तुम एक मॉडल हो। फिर हाओ उसको अपने पास लेकर आता है और बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी ऑफिशियल प्रिंसिपल बनोगी। फिर शाओ ही बोलती है कि मैं अकेली हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। ये सुनकर हितान बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि चैन हाओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, और उसे एक पंच करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन हाओ उसे पंच को रोक देता है, उसे पीछे कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और फिर अपना पांव रख देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, और उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडल बोलता है कि रोको ये लो, और हम देखते हैं कि उसको एक शॉट देता जाए, और ये देख कर चैन हाओ बोलता है कि ये तो ब्लड शॉट से कि एक सोर्ड है आपने मुझे दी। फिर वो मास्टर बोलता है कि हाँ तुम इससे इसको मारो। फिर हम देखते हैं कि चैन हाउ बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और उसके पास आकर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है कि तुम ही बंदे हो, तुम मोटल सोचो हमारे लिए ही पैदा हो जो मरने के लिए। तभी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में एक बंदा आ जाता है जिसका नाम, और हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम चैन बिचैन होता है, वो अपनी पावर से उसको पीछे कर देता है। और फिर एक बंदा बोलता है कि कितना पावरफुल है, और फिर सीनियर बोलता है कि वो एल्डर बोलता है कि तुम कौन हो, और चैन हाउ तुम रोको मत, इस पर अटैक करो, इसे रोकना मत तो, और तुम जल्दी इस पर अटैक करो। तभी हम देखते हैं कि चैन हाउ उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन बिचैन उसको अपने पावर से ही रोक देता है। फिर एक बंदा बोलता है कि ये कितना पावरफुल है, ये गॉड है। फिर एल्डर बोलता है कि आप सीनियर क्या बताएंगे, आप क्यों यहाँ आए। फिर चैन बोलता है कि मुझे काम है, मुझे एक डेसिबल चाहिए यहाँ से। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये चैन हाउ को लेने आया है, इस पर टिक करो। फिर वो तीनों अपनी अपनी फॉर्मेशन बना लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे अपने अपने पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन से निकाल कर आसमान में भेजने लगते हैं। वो ऑल्टर ऊपर जाकर स्पेशल फ्लोट ले आता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन चैन ये देख कर हंसता है और अपनी पावर से इस शॉट को तोड़ देता है। यही हमारे आज का पार्ट खत्म होता है।